गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम मनाली। आज है डे टू। आज हम लोग का प्लान है हिडिंबा टेम्पल जाने का, वो टेम्पल जो आपने ये जवानी है दीवानी वाले मूवी में देखी होगी, जहाँ पर वो दीपिका पादुकोण को मतलब वो समझ गए ना, यू गेट द पॉइंट। तो आज हम लोग का वहाँ जाने का सीन हो रहा है। और कल हम लोग के साथ सरफराज और हारिस लोग सिसु नहीं गए थे, तो आज फिर से एक बार हो सकता है कि बाइक या फिर स्कूटी रेंट करके हम लोग जाएंगे सिसु अगेन अटल टनल होते हुए। लेकिन अभी थोड़ी चाय की तलब हो रही है, ब्रेकफास्ट नहीं किया है, कुछ खाया पिया नहीं है, तो अभी चलते हैं, चाय वाय पियेंगे थोड़ा सा, फिर डिसाइड करेंगे। और भी लड़के ज़्यादा लोग के साथ ट्रैवल करने से ही होता है घचपच होता है, अब किसी का मन कुछ कर रहा है, किसी का मन कुछ कर रहा है। पहले था कि हम लोग निकल जाएंगे, अब फिर से बाकी लोग सोच रहे डिसाइड कर रहे, तो फिर हो रहा है कि कैब बुक करेंगे, कैब से जाएंगे अटल टनल, रोहतांग पास कोई नहीं जाएगा। लास्ट टाइम तो आपने देखा ही था रोहतांग पास जोगनी वाटरफॉल। तो अभी चलते हैं वहाँ मॉल रोड, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद प्रॉपर सोचते हैं कि बाइक रेंट करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो डिसाइड हो गया, मैं और सरफराज जाएंगे हम लोग स्कूटी से पहले उसी टेम्पल जहाँ ये जवानी है दीवानी की शूट हुई थी, उसके बाद देखते हैं ओल्ड मनाली में कुछ एक्सप्लोर करेंगे। बट उससे पहले अगर आप मुझे अपना भाई समझते हैं तो भाई की तरफ से एक एडवाइस, लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना है तो मेरा क्या जाता है। कभी भी अगर आप लोग ट्रैवल करें, जैसे मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे यही समझ में आया कि अगर कभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दो चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी भाई कॉन्ट्रोवर्सी हो सकता है, कभी भी लड़कियों के साथ ट्रैवल ना करें, मतलब इसको जाने दो, ये वाली बात कटा देते हैं। कभी भी ट्रैवल करें तो बच्चों के साथ कभी ट्रैवल ना करें। अब जिनको जो समझ में आ रहा है वो समझे, नहीं समझ में आ रहा मत समझे, चलते हैं चाय पीते हैं। अच्छा, फिर से एक बात और, मतलब वो बात बोली थी उसको जाने देते हैं। मैं चाहूँ तो एडिटिंग में काट सकता हूँ, पर मैं क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा वैसा एक बैड एक्सपीरियंस रहा, तो इसीलिए हो सकता है ऐसा ना हो। अगर इफ़ यू ट्रैवल विथ योर फैमिली, विथ योर सिस्टर्स, और अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैवल कर रहा है या वाइफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन फ्रेंड्स के साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं, फीमेल फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा एक बैड एक्सपीरियंस रहा है, मैंने वो व्लॉग कभी डाली नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में कभी डालूं, पर मैं सब आपको बता ही क्यों रहा हूँ। हो सकता है आजकल मैं एहसास कमतरी में मुबतला हूँ और आपको ये सब बात बताने से मेरा मन हल्का हो जाए। तो बस चलिए एक बार फिर से बोल देता हूँ, चाय पीने चलते हैं। अभी रास्ते में ये काफ़ी अच्छा सा जगह दिखा, बर्ड सेंचुरी है शायद, ये देखो। तो यहाँ हम लोग सोचे अभी अंदर चलते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं अच्छा सा। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो तुम, एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो गाइस, छोटा सा कुछ सेकंड का सिनेमैटिक, कैसा लगा आप लोगों को? मेरी हालत ख़राब हो गई दौड़ते दौड़ते, और सरफराज भाई की हालत ख़राब हुई कि नहीं हुई कह नहीं सकते हैं, पर इसने हेल्प किया बिहाइंड द कैमरा, जादू आई मीन सरफराज। तो अब चलते हैं चाय पीने, तीसरी बार बता रहा हूँ कि चाय पीने जाएंगे, लेकिन इस बार जाएंगे, ये जगह दिख गई थी इसलिए यहाँ आ गए थे।
कुछ कुछ फ़ोटोज़ ले लिए, और अगर आपको क्विक अपडेट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम @ अरहम सईद ऑफिशियल मिलते हैं। अगर जी तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं आ रहा हम लोग को बाइक रेंट करें या स्कूटी, बट फाइनली डिसाइड करें कि स्कूटी ही लेते हैं। अब हाँ जी गाइस, तो स्कूटी रेंट कर ली हम लोग ने, अभी जा रहे हैं पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेते हैं और फिर चलते हैं इंपर्टेक में। आ जाओ बैठ जाओ। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पर पेट्रोल पंप में पेट्रोल ले लिया है। अभी सिसु जा सकते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि पहले हरिम्बा टेम्पल ही चल लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर सिसु चलना है पहले सिसु? तो हाँ जी गाइस, हम पहुँच गए हैं हरिम्बा टेम्पल। ये है मैप, इफ यू वांट यू कैन पास सी, लेट्स गो, अंदर मिलते हैं। हाउ मच कॉस्ट? ये 100 रुपये। और वो वाले? ये 100 रुपये का, ये 50 रुपये। I already have this one. ये किसने दिया था? ये हाँ, मैंने खुद को दिया था। ये तोहफा हमने खुद को दिया? Yes. रास्तों में चले जा रहे हैं, पर पता नहीं मंजिल का कुछ हमें। ढूंढता है मेरा दिल रोज एक बहाना, आना जाना चलता रहे चलता रहे। मुश्किलों में कोई परवाह नहीं है, पर खबर नहीं राहों में हम चलें। बीते लम्हे कच्चे से रास्ते हैं, पर खबर नहीं बेसब्री में हम बढ़ें। रास्ते भी हैं, मंजिलें भी, फासले भी। दिल को खुला छोड़ दिया है, मगर ख्वाहिशें हैं। तो गाइस, यही है पीछे हमारे हरिम्बा टेम्पल। हरिम्बा टेम्पल, अगर मैं इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग तो आई एम डीपली सॉरी। तो बस यही था, देख लिया, कुछ फोटोज क्लिक कर ली, अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। भाई ये देख लिया, चला गया। क्या कहाँ चलते हैं? सुसु के लिए नहीं, वो तो करके आए हैं हम लोग, सुसु चलते हैं। लेकिन चाय, चाय चौथी बार बता रहे हैं, चाय वहीं पी लेंगे तो बस पीते हैं। चलो नहीं, ये कैसा लग रहा है? नहीं ये सब तो पहनते नहीं है। गाइज वी आर ट्राइंग सम सुवेनियर्स। ये रिंग्स देख रहा है, मैं भी देखता हूँ, अगर कुछ अच्छी लगी तो मैं भी ले लूँगा। जिनके पास गर्लफ्रेंड्स हैं वो ये ले सकते हैं, पर आपका भाई तो सिंगल है। चलो तो क्या कर सकते हैं, चलते हैं। हरिम्बा टेम्पल से निकलते हुए पेट्रोल हम लोग बचाते हुए स्कूटी को बंद कर दिए है, और ऐसे हम लोग जा रहे हैं नीचे स्लाइड करते हुए एकदम। गाड़ी नहीं चल रही है गाइस, गाड़ी बंद है। यही है मजे पहाड़ के, ये देखो। इसी होटल में रुके थे हम लोग, अभी आपके भाई को सर्दी हो गई है बहुत हैवी, तो अभी मेडिसिन लेंगे पहले, भूख भी लग रही है। पांचवी बार बता रहा हूँ चाय चाय पीने जा रहा हूँ। तो हरिम्बा टेम्पल से हम लोग ने इरादा किया था कि ओल्ड मनाली जाएंगे, लेकिन वो प्लान कैंसिल कर दिया। हम लोग ने गूगल सर्च किया जामा मस्जिद इन मनाली,
तो हमें दिखा जगत सुख जामा मस्जिद। तो ये काफ़ी दूर था, जहाँ पर हम लोग रुके थे वहाँ से 7 किलोमीटर दूर था। ये मस्जिद है, मस्जिद का नाम है मस्जिद अर रहमान। मस्जिद अर रहमान बिल्ड इन अक्टूबर 1996। ये मनाली की वन ऑफ़ दी ओल्डेस्ट जामा मस्जिद है, और इस मस्जिद के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। जो इस जगह के ओनर है अब्दुल रहीम भाई, वो बताते हैं कि ये मस्जिद जिस कंपाउंड एरिया पे बना है वो मनाली की वन ऑफ़ दी ओल्डेस्ट और फर्स्ट होटल्स में से एक है। और उस होटल के बंद होने का रीज़न भी उन्होंने बताया कि एक दफ़ा रात को जब उनके ग्रैंडफादर होटल आए तो उनसे एक शराबी टकरा गया, और वो उन्हें इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने इस होटल को बंद कर दिया। ये मस्जिद है, इधर वजू खाना है, टॉयलेट है, वॉशरूम। तो हम लोग ने यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी है नफिल, और दुआ किया है। दुआ करिए आप लोग भी अपने भाई के लिए। और चलते हैं अंदर, ताला लॉक्ड है। और इत्तफाक की बात है कि गाइस हम लोग जो है जामा मस्जिद आए तो अब्दुल रहीम भाई है, उनसे मुलाकात की, तो मालूम चला कि जो इमाम साहब है इस मस्जिद के वो भी पटना ही के, पटना वो बोले कि बिहार के हैं लेकिन बोले कि पटना से ही हैं वो भी ऐसे। तो खैर अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने रोका है चाय पीने के लिए, एक बार अंदर मस्जिद आपको दिखा देते हैं। तो ये अंदर वाला मेन जो है डोर वो लॉक है, लेकिन अंदर काफ़ी अच्छी बनी हुई है। गूगल से अगर फ़ोटो मतलब मैं निकाल के दिखा दूँगा। ये हो गया मस्जिद, और यहीं पर नमाज वमाज पढ़ा, काफ़ी अच्छा है। छोटी मस्जिद है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है। ये टाइमिंग है, अपना अपने टाइमिंग से मैच कर लीजिए। अभी चाय पी के इंशाल्लाह निकलते हैं। वैसे याद है ना, 5 बार चाय का बोल चुके हैं, ये 6ठी बार है। चलो वहाँ जाना है हम लोग, पहाड़ देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, उसके उस पार जाना है। गाइस कुल्फी जम रही है बहुत ज़्यादा, हालत ख़राब है ठंडा से, इसलिए अभी ग्लव्स पहना जा रहा है। सरफराज को पहना दिया गया है, वो लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। ग्लव्स पहन के आपसे वहाँ मिलते हैं। हाँ जी भैया, तो हम लोग आ गए हैं सिसु 2-12। कल भी आए थे लेकिन कल मेरा लड़का नहीं था, सरफराज नहीं था साथ में। तो अभी सरफराज के साथ कल वो बात नहीं था, इसने अकेले आकर अपनी औकात दिखा दी थी, इसीलिए दोबारा लेकर इसकी औकात मैंने दिखाई है। ये बात व्लॉग में बोल के तूने अपनी औकात दिखा दी। तो अभी गर्मा गर्म मैगी खा रहे हैं, बाकी सारे लड़के जो बॉयज़ हैं वो निकल गए कार से, हम लोग को वापस जाना है और फिर बस पकड़ना है। तो अभी मैगी के मज़े लेते हैं गर्म गर्म। यहाँ पर बॉन्ड फायर लगा है लेकिन इसमें कुछ नहीं है, फायर तो है नहीं, बस बॉन्ड है। मैगी खाते हैं। हाँ जी गाइस, तो पेट पूजा हो गया है, 2 बॉइल्ड एग खा लिया है। अब थोड़ा जाके लग रहा है कि गर्म फील हो रहा है अंदर से। यहाँ पर टेम्परेचर आई गेस 4 डिग्री है। अभी उस साइड है सिसु लेक, जहाँ कल भी गए थे लेकिन मेरा बच्चा नहीं गया था, मेरा लड़का सरफराज नहीं गया था, तो इसको लेकर उधर जाते हैं। सेम चीज़ आपको क्या दिखाना। और एक बात और, जो मस्जिद गए थे वहाँ जो अब्दुल रहीम भाई थे यार, मतलब बहुत सही बंदे थे वो, बहुत देर बातचीत की, उन्होंने चाय पिलाया, नाश्ता वाश्ता कराया, काफ़ी कुछ बताया, वो काफ़ी सही लगा उनसे मिलकर। और बस यहाँ वहाँ झील बह रही है, उधर वहाँ पर झरना, जूम करके दिखाई देगा ये देखो वहाँ पर। तो बस अगर कुछ और इंटरेस्टिंग रहा रास्ते में तो मैं आपको दिखाऊंगा, वरना तो फिर सफ़र वैसा ही है। कल वाले व्लॉग में आपने, लास्ट वाले व्लॉग में आपने ऑलरेडी देख लिया है सारा कुछ। अभी जाना है हम लोग को 7:45 में, मतलब 8 बजे करीब हमारी बस है वापस दिल्ली के लिए। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग, अगर यहाँ तक देख लिया है तो दिल ले लिया है भाई का, और अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। वरना मिलते हैं आपसे दिल्ली में बहुत जल्द, ख्याल रखो। कहाँ जा रहे थे दिखा, अबे मुंह में घुसा दे।